बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव लेक्चर नंबर 9 ऑफ 10th क्लास। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस चाइनीज़ न्यू ईयर्स, मींस चाइनीज़ का नया साल। एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन आर द सेलिब्रेशन एंड बिलीफ ऑफ चाइनीज़ अबाउट न्यू ईयर्स, मींस कि वो नए साल की आमद जो है उसको किस तरह से मनाते हैं और नए साल के बारे में उनके क्या अकायद हैं, वो किन किन चीज़ों को नए साल की खुशकिस्मती से रिलेट करते हैं और किन किन चीज़ों का करना या होना जो है उसको यानी अच्छा नहीं समझा जाता। फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट पैराग्राफ। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चाइनीज़ का नया साल छुट्टी का दिन होता है। दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, जब नए साल का जो आगाज़ है उसको मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चाइनीज़ का जो कमरी कैलेंडर है उसके मुताबिक ये दिन छुट्टी का दिन होता है और नए साल के आगाज़ को मनाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिली। इस दिन को चाइनीज़ फैमिली के लिए, चाइनीज़ ख़ानदानों के लिए बहुत अहम छुट्टियों में से एक समझा जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तमा के साथ, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देकर, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स, रिवायती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस और पुरमसरत जो आराइश है, सजावट है, उसके साथ ये दिन जो है नए साल का पहला दिन जो है उसको मनाया जाता है। मींस चाइनीज़ का नया साल जो है उसका आगाज़ जो है वो चाइनीज़ फैमिली के लिए बहुत अहम है, वो इसको बहुत अहम समझते हैं और ये बहुत ज़रूरी छुट्टियों में से एक दिन होता है। और इस दिन ख़ानदान जो है वो इकट्ठा होता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, रिवायती खाने खाए जाते हैं और बहुत सी सजावट भी की जाती है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर। और इन सब चीज़ों के करने का मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना होता है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और नए जो मौसम बहार है उसकी आमद के लिए ये मनाया जाता है। इन चाइना में द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर जो है इज़ स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल किया जाता है, टू डिटरमिन जायज़ा लेने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रिवायती छुट्टियों का जायज़ा लेने के लिए, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे कि चाइनीज़ का नया साल। चाइना में अभी तक कमरी कैलेंडर को ही छुट्टियों के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाइनीज़ न्यू ईयर नए साल के लिए भी इसी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस हेयर, सिंस मींस क्योंकि, सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड, क्योंकि कमरी कैलेंडर मुश्तमिल है ऑन द फेजेस ऑफ मून, चांद के अदवार पर, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका जो चक्कर है वो सूरज से छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, लिहाजा चाइनीज़ का जो नया साल है वो हर साल नया दिन जो है, चाइनीज़ के नए साल का पहला दिन जो है वो हर साल एक ही दिन पर नहीं होता, मींस ये चेंज होता रहता है। बट टिपिकली फॉल समवेयर, ज़्यादातर ये दिन आता है बिटवीन जनवरी 21st एंड फेबरी 20th, यानी ये दिन जो है साल का पहला दिन जो है ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में ही आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और इसकी जो तकरीबात हैं
इस दिन का जो मनाना है, ये तकरीबात जो हैं न्यू ईयर की तकरीबात जो हैं वो तकरीबन एक माह तक चलती रहती हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ वी कैन सी दैट मोस्टली पैसिव सेंटेंसेस आर यूज्ड, मींस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हु आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल और न्यू ईयर। इन दिस सेंटेंस द सेलिब्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट, सो यू आर सीइंग दैट द पैसिव सेंटेंसेस आर मोस्टली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। द सेकेंड पैराग्राफ इज क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, मीन्स घरों को साफ करना और नए कपड़े जो हैं उनका इस्तेमाल। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, प्रायर मीन्स पहले, नए साल के पहले दिन से पहले, इट इज़ कस्टमरी, ये बहुत ज़रूरी है फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, टू थोरोली क्लीन देयर हाउसेस, के वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करें, यानी साल का पहला दिन आने से पहले पहले ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करें। डूइंग दिस, इस तरह करना, इस सेड, ये कहा जाता है, समझा जाता है टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी उनके मुताबिक ऐसा करना जो है वो पिछले साल की किसी भी जो बदबख्ती है उसको घर से निकाल फेंकता है, बाहर निकाल देता है। मींस जब वो अपने घरों को साफ़ करते हैं तो उनके मुताबिक ये हर तरह की बदबख्ती को उनके घरों से निकाल देता है। एंड टू मेक द हाउस, और वो घरों को तैयार करते हैं रेडी, एंड दे मेक टू मेक द हाउस रेडी, और वो घरों को तैयार करते हैं टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, के वो आने वाले साल की अच्छी किस्मत, खुशकिस्मती के लिए उनका घर जो है वो तैयार हो जाए। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, तमाम सफाई जो है वो नए साल के दिन पहले दिन से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए। सो लिहाजा देर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्च्यून ऑफ द न्यू ईयर, मीन्स उनके मुताबिक ये सारी सफाई जो है ये नए साल से पहले पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है, उनके मुताबिक वो समझते हैं कि अगर सफाई का कुछ हिस्सा रह जाएगा तो वो उसे नए साल में साफ़ करेंगे, अपने घरों को साफ़ करेंगे, तो वो खुशकिस्मती जो नया साल अपने साथ लेकर आया है वो कहीं इनके घर से बाहर ना निकल जाए। मींस घरों को साफ़ करते हुए वो खुशकिस्मती जो नए साल के साथ इनके घरों में आ चुकी है वो ना निकल जाए। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, स्याह रंग जो है उसका पहनना जो है इसकी इजाज़त नहीं होती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, स्याह रंग का मौत से ताल्लुक होने की वजह से इसको पहनने की इजाज़त नहीं होती। हाउएवर ताहम वेयरिंग रेड, सुरख रंग पहनना जो है इज़ इनकरेज्ड, इसकी बहुत हौसला अफजाई की जाती है, एज़ द कलर इज़ एसोसिएटेड, क्योंकि ये रंग जो है इसका ताल्लुक है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, मीन्स इस रंग का ताल्लुक जो है इसके बारे में समझा जाता है कि ये बुरी रूहों को, बदरूहों को निकाल फेंकता है, भगा देता है, लिहाजा स्याह रंग जो है उसको पहनने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उसका ताल्लुक मौत से समझा जाता है, और सुरख रंग जो है उसकी हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि उनके मुताबिक ये रंग बुरी रूहों को, बदरूहों को भगा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यू विल लर्न दिस टू पैराग्राफ्स थॉरली। थैंक यू सो मच।